क्या अक्सर आपकी वीडियो कॉल भी अटकती है और कनेक्शन टूट जाता है? नई ऐप डाउनलोड करने में तो जैसे जमाने लग जाते हैं। मोबाइल इंटरनेट इतना धीमा क्यों हो जाता है? और साथ ही देखिए ऐसे 5 तरीके जिनसे आपका इंटरनेट कनेक्शन तेज हो सकता है। इंटरनेट स्पीड कम होने के कई कारण है। शायद आपके पास 4G या 3G कनेक्शन होगा। 3G थर्ड जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी है, यानी 4G LTE से पहले की तकनीक। दोनों में सबसे बड़ा फर्क है कि 3G पर 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 42.2 मिलियन बिट्स ट्रांसमिट हो सकते हैं, जबकि 4G में यही ट्रांसमिशन दर 1000 Mbps तक हो सकती है। कोई ना काफी तेज। वैसे तो 3G और 4G दोनों वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेमिंग या इंटरनेट सर्च जैसी आपकी आम जरूरतों के लिए काफी है। लेकिन इंटरनेट की स्पीड के लिए जो एक और अहम बात है वो है ऑक्यूपेंसी। आइए इसे समझते हैं। मान लिया कि आप 50 Mbps का LTE इंटरनेट पैक खरीदते हैं और आपके इलाके में ट्रांसमिशन एरिया वाकई 50 Mbps दे भी रहा है। ऐसे में अगर ट्रांसमिशन टावर के आसपास कुछ ही लोग LTE इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो उन्हें अपलोड और डाउनलोड में अच्छी स्पीड मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एरियल अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड पर सिग्नलों को छोड़ता है। अगर किसी खास फ्रिक्वेंसी बैंड पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा हों तब दिक्कत आती है। अगर 50 लोग एक फ्रिक्वेंसी बांट रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे 50 Mbps को भी बांटेंगे। फिर यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्पीड के लिए पैसा दे रहे हैं। इसलिए अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो काफी संभावना है कि आपके आसपास मौजूद लोग भी ऑनलाइन हो। इससे नेटवर्क पर बोझ बढ़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गांव इलाके में कुछ हालात बेहतर होंगे। जी नहीं, वहाँ ट्रांसमिशन टावर ही कम होते हैं और टावर से जितनी दूर जाएंगे उतना ही खराब कनेक्शन मिलेगा। दुनिया की 41% से भी बड़ी आबादी यानी करीब 430 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स वाले देश हैं चीन, भारत और अमेरिका। ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे कि भारत में अगले 1-2 सालों में ही करीब 80 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारी जिंदगी में जुड़ती जाएंगी। आज की मोबाइल रेडियो टेक्नोलॉजी जब भविष्य में अपनी सीमा तक पहुंच जाएगी तो क्या हमें और कम इंटरनेट स्पीड मिलेगी? शायद नहीं, जिसकी वजह है 5th जनरेशन। आने वाला वक्त 5G नेटवर्क का है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी सिर्फ तेज ही नहीं होगी बल्कि ज्यादा कनेक्शनों के साथ काम कर सकेगी। इसके साथ ही 5G का सिग्नल रन टाइम भी LTE से कहीं कम होगा और तब हमारे इंटरनेट की स्पीड वाह क्या ही कहें। 5G सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये भी सच है कि इससे आपके अभी वाले धीमे इंटरनेट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए आइए देखते हैं ऐसे 5 तरीके जिनसे आपका इंटरनेट तेज चलेगा। पहली चीज, फालतू के एप्स और विजेट्स हटा दीजिए। एप्स और विजेट्स आमतौर पर बहुत ज्यादा डेटा नहीं खाते, लेकिन फेसबुक जैसे कुछ ऐप डेटा के भूखे हैं। आपके पास जितनी भी बैंडविड्थ होती है इस तरह के भारी ऐप बैकग्राउंड में उसका इस्तेमाल करके खुद को अपडेट करते रहते हैं। तो आप ऐसा करें कि सेटिंग्स में जाकर ऑटोमेटिक अपडेट और रिफ्रेश का ऑप्शन बंद कर दें। इससे आपके इंटरनेट की रफ्तार तेज हो सकती है। दूसरी चीज, सिस्टम अपडेटेड रखें। इससे आपकी डिवाइस सुरक्षित रहेगी और डेटा का भी किफायती इस्तेमाल करेगी। पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐप का पुराना वर्जन आमतौर पर इंटरनेट की स्पीड को घटा देता है। कैश निकालते रहिए। अगर कैश जमा करते रहेंगे तो फोन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। इसके लिए सेटिंग्स में जाइए और मोबाइल कैश साफ करने का बटन दबाइए। अच्छी बात यह है कि इससे ऐप का डेटा या आपके सेव किए गए पासवर्ड पर कोई असर नहीं पड़ता। डेटा सेवर मोड बंद रखें। डेटा सेवर डेटा बचाते हैं यानी आपका फोन बिल कम करते हैं, लेकिन ये कनेक्शन स्पीड भी कम कर सकते हैं। इसलिए जब भी स्पीड की जरूरत हो तो सेटिंग्स में जाकर डेटा सेवर बंद कर दें और जब जरूरत ना हो तो डेटा सेवर दोबारा ऑन कर लीजिए। भूले तो डेटा पैक खत्म हो सकता है। नेटवर्क का ऑटोमेटिक चुनाव बंद रखें। लगातार सबसे बेहतर नेटवर्क खोजते रहना आपके फोन की परफॉर्मेंस खराब कर सकता है। इसलिए अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक ऑपरेटर चुनने की बजाय सबसे तगड़ा सिग्नल खुद ही खोजिए। जब काम खत्म हो जाए तो फिर से ऑटोमेटिक सिलेक्शन का ऑप्शन चुन सकते हैं। आप और किस बारे में जानकारी चाहते हैं हमें बताइए कमेंट बॉक्स में।